नमस्कार, मैं पूर्वा सिंह, TNN 24/7 में आपका स्वागत है। जब से भारत कोरोना वायरस की चपेट में आया है, तब से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, फिर चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, टीवी के माध्यम से हो या फिर रेडियो के माध्यम से हो। आज 11 से 12 बजे की मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन तमाम लोगों से बात की जो कोरोना वायरस से ग्रसित थे लेकिन अब अपने घरों में सुरक्षित हैं। उन डॉक्टर्स और नर्सेस से भी बात करी जो लगातार कोरोना वायरस के मरीजों को देख रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं और उनको ठीक कर रहे हैं। एक उस फैमिली से भी बात की जिसकी पूरी फैमिली ही कोरोना वायरस की चपेट में आ गई थी और किस तरह से वो क्वारंटीन पीरियड में रही और उन्होंने अपना मनोबल जो है वो गिरने नहीं दिया, अपना मनोबल बढ़ाए रखा। वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, वो नर्सेज हैं, उन्होंने किस तरह से उन्हें उनकी देखरेख करी, उनको खुश रखा, उनको ठीक किया और अब वो अपने घरों में सुरक्षित हैं। जो लोग कोरोना वायरस से भयभीत हैं उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सेशन था, उनको देखना चाहिए, जिसमें उन डॉक्टर्स ने और उन जो कोरोना वायरस से ग्रसित थे और लेकिन अब वो लोग ठीक हो चुके हैं, उन लोगों ने बताया कि ये जो बीमारी है ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि आप ठीक नहीं हो सकते हैं, आप ठीक हो सकते हैं। वो लोग भी अपने घरों की ओर गए हैं। तो जो लोग कोरोना वायरस से ग्रसित हैं या फिर जो भयभीत हैं, वो इससे भयभीत बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि सरकार लगातार स्टेप्स ले रही है आपके लिए, हमारे लिए। जो डॉक्टर्स, जो नर्सेज उन लोगों का इलाज कर रहे हैं, अपने परिवारों से दूर हैं, आपके और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उन सभी नियमों का, उन सभी चीज़ों का पालन करें जो सरकार द्वारा बताए जा रहे हैं, जो डॉक्टर्स लगातार कह रहे हैं, आप घरों से बाहर मत निकलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में एक और जहाँ पर ये कहा कि आप मनोबल अपना बढ़ाते रहिए, वहाँ पर इस चीज़ के लिए भी आगाह किया कि आप इस गलत फहमी में ना रहें कि ये बहुत कैजुअल चीज़ है। ये कैजुअल नहीं है, अगर एक बार बढ़ गई तो रोकना दूसरे देशों की तरह मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इटली भी मेडिकली बहुत एडवांस है वो इंडिया से, अगर बढ़ गई तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी भारत के लिए बढ़ना। लेकिन कहीं ना कहीं जो भारत है वो एक बहुत अच्छे स्पीड से रिकवर कर रहा है। जितने केसेस दूसरे देशों में देखने को मिल रहे हैं उतने केसेस हमारे देश में नहीं है, ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि लोग जो है वो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। ये भी कहा प्रधानमंत्री ने कि वो लॉकडाउन नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये एक बहुत ज़रूरी स्टेप है ताकि जो लोग हैं वो कोरोना वायरस से बचे रहें और आप लोग भी अपने घरों में सुरक्षित रहें। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो लोग घरों में हैं, जो बोर हो चुके हैं किताबें पढ़ पढ़ते, वो लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो लोग योगा कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, अच्छी अच्छी मूवीज़ देख सकते हैं। हम भी लगातार अपने चैनल पर आपको दिखाते रहे हैं, बुक रिव्यूज़ हम लगातार कर रहे हैं। अगर आप भी कुछ बुक रिव्यू करना चाहते हैं या आपने कोई किताब पढ़ी है जो आप चाहते हैं कि दूसरे लोगों को भी पढ़नी चाहिए, तो आप भी अपनी बुक रिव्यू रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। और बाकी अपना ख्याल रखिए, जितने भी सरकार द्वारा स्टेप्स लिए जा रहे हैं उनका पालन कीजिए, घरों से बाहर मत निकलिए और किताबें पढ़िए, खूब मज़े में रहिए, खुश रहिए, क्योंकि ये एक बीमारी है और बहुत जल्दी हम इस बीमारी से भी निकल जाएंगे और सभी लोग खुशी खुशी सड़कों पे आएंगे और सब लोग एक दूसरे से मिलेंगे, वो दिन दूर नहीं है। अपना ख्याल रखिए।